गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं बालाजी ऑटोमोबाइल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अपनी हिमालयन 450 का इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं। कंपनी ने तो बोला कि 10,000 पे ऑयल चेंज होगा। मतलब पहले 500 पे हुआ था, उसके बाद 10,000 पे बोला, लेकिन पता नहीं, मैं तो नहीं करवाता हूँ ऐसा। तो मैं अभी जा रहा हूँ बालाजी ऑटोमोबाइल। मैंने एक ऑयल मंगवाया था उनसे जो आ चुका है, और हम मैंने पुरानी हिमालयन जो थी, मैं उसमें भी ऑयल चेंज जो था वो जनरली से 4,000 5,000, मतलब 3,500 से 5,000 के बीच में करवा देता था। तो वही अभी भी करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 5,000 बाइक चल चुकी है। 500 पे पहला था, मतलब 4,500 चल गया। तो अभी मैं ऑयल चेंज करवा दूँगा। और कौन सा ऑयल चेंज करवा रहे हैं वो वहाँ पर जाके दिखाते हैं आपको। बाकी गोप्रो लेके नहीं जा रहा हूँ, तो सीधा जाएंगे बालाजी ऑटोमोबाइल, पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे हम कौन सा ऑयल डलवाने वाले हैं। तो चलो फिर, तब तक ऐसा करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। आ नहीं रहे सब्सक्रिप्शन, जाओ बंदे बंदों को यार कुछ तो, 1,000 तो पहुंचा दो। 300 400 भी नहीं, अपने तो 400 नहीं पहुंच रहे। 3 महीने हो गए, 400 नहीं पहुंच रहे, ज़्यादा ही हो गए। करो कुछ, फिर हम और बनाएंगे ब्लॉग्स। तो चलो चलते हैं बालाजी ऑटोमोबाइल और फिर आपको मिलते हैं वहाँ पर। बालाजी ऑटोमोबाइल, आज इधर पावर नहीं है और ये इनका शोरूम है हेलमेट्स का, तो पावर तो है नहीं, पर अपना काम तो हो जाएगा। हम इसीलिए आए थे, आज पावर नहीं थी, काम कुछ होगा नहीं अपना, तो बाइक का काम कराते हैं। तो बस अभी बाइक में डालेंगे इंजन फ्लश, और इंजन से फिर उसके बाद हम फ्लश करेंगे सारा ऑयल, और उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे नए ऑयल से। नया ऑयल कौन सा है? इसमें आता है सेमी सिंथेटिक। अभी हम डलवा रहे हैं फुली सिंथेटिक ऑयल 10W40, जो उसकी रेटिंग है वो कंपनी जो करती है। और फुली सिंथेटिक इसलिए क्योंकि मेरे को पिछली बाइक और इस बाइक में, मतलब पिछली बाइक में मैंने फुली सिंथेटिक डाला था, तो मेरी पुरानी हिमालयन अच्छा मेरे को लगता है परफॉर्म करी ज़्यादा। तो इसमें भी ट्राई करेंगे और रिव्यूज़ जो भी होंगे इस ऑयल के वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो जो है वो डलवाएंगे, तो जो ऑयल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यूज़ कर रहे हैं मोटुल, ये है मोटुल का इंजन फ्लश, ये डालेंगे हम टैंक में। और लाजी ने ग्लव्स डाल लिए, मोटुल का ऑयल डालना है पूरा पूरा, ऐसा डालूंगा प्रोफेशनल्स की तरह ऑयल डाल के। ये खुल गई इसकी टोपी, यहाँ से ले लेगा इंजन प्लस। ये लो जी, रॉयल एनफील्ड का तेल गया बाहर। और ये है 300V जो हम यूज़ कर रहे हैं, 10W40 फुली सिंथेटिक ऑयल, तो ये वाला यूज़ करेंगे हम 2.1 लीटर्स। और फिर देखते हैं बाकी। ये रहा स्टोर, ये हेलमेट्स, लाइट नहीं है पर वाह क्या सुंदर लग रहे हैं। अभी हम खोल रहे हैं इसकी, ये सम्प गार्ड प्लास्टिक वाला। उसके बाद यहाँ पे दो है पॉइंट, एक नीचे है, और ये है ऑयल फिल्टर का ये वाला। ये सब खुलेंगे और सारा तेल बाहर, ऑयल फिल्टर चेंज और तेल चेंज। ये भी अभी गर्म होगा ना क्या? ये नहीं गरम। अरे और ये निकली पिचकारी, एक एक पिचकारी छपाक। अब निकली दूसरी पिचकारी, दूसरी के लिए तो बचना ही नहीं, मेरे को पता तक है ना, दूसरी से खाली हो गए, उससे निकल गया सारा। दो पूरा निकालता हूँ, दो दो एयर फिल्टर भी निकालता हूँ। ये इसके वो बोलते इसको ऑयल फिल्टर, नहीं ऑयल फिल्टर नहीं है, कुछ और बोलते इसको, तो मतलब है तो ऑयल फिल्टर ही एक हिसाब से, पर इसमें जमी भी है ना। इसमें देखेंगे तो इतने गर्म है, और इसमें ना इंजन की शेविंग्स जो होती है, मतलब जनरली वो आई हुई है, मतलब बड़ी बात तो कुछ इसमें है। साफ़ करेंगे इसको, दोबारा डालेगी है। और ये देखो
जब ये साफ होगा सारा इसके अंदर भी आइए, इधर बोल रहे हैं ऑयल फिल्टर रेड सुपर ब्लैक, और ये भी निकलेगा जैसे तेल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ढकना ढकना जी ढकना। रिम जिम बारिश होते हुए, रिम जिम तो अभी बरसात हुई थी एकदम से। ये हो रही है इनकी सफाई, मेरा और अब चेन क्लीनर से इसको और साफ किया जा रहा है। वो देखो अभी ये कंडीशन में पहले ही गया थी, तो ये हो गया साफ अब बिल्कुल बढ़िया करके। अब मार रहे हैं मेयर का प्रेशर बिना हवा के, हवा मारते हुए थोड़ी बहुत जो है उसको चूस लेंगे हम और इसको साफ कर देंगे पूरा, ताकि शेविंग शेविंग चली जाए। तो जी वाह जी वाह जी वाह। महिंदर भाई ये अपने काम करते हुए अच्छे तरीके से, हेलो बोल दो महिंदर भाई। तो महिंदर भाई ने कर दिया ये भी साफ बढ़िया कपड़े से, और ये आगे ऑयल फिल्टर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ताकि बाद में उसको काम ना करना पड़े ज़्यादा। ये तो है ऑयल फिल्टर, और सील को और सील किया जा रहा है। और अब चला गया हमारा कैब भी अंदर, बस अब हम करेंगे ऑयल चेंज, और यहाँ से डालेंगे हम इंजन ऑयल। फिर से महेंद्र भाई इंजन ऑयल डालते हुए, ये रजत मित्तल हेलमेट वाले ब्लॉग वाला बंदा। अभी हम राइड पे कहाँ जा रहे हैं, बस बंदा जीप भी जाता और कहीं जाता है, इसको और कहीं बोलो राइड पे जाना मना कर देता है। जी फाइनली आ गया 300 भी जा रहा है हिमालय में, अब उसके बाद पकाएंगे हम बाइक को। एक वो डल रहा है, एक इधर है और एक नीचे है, तो 2.1 लीटर डालेंगे। साफ सुथरा तेल, थोड़ा जला हुआ तेल, और ये हमारी हिमालयन। तो इंजन ऑयल डल गया, बाइक बड़ी शांत शांत सी साउंड कर रही है, अभी देखते हैं चला के देखते हैं फिर थोड़ा बहुत क्या फील चेंज हुआ है, फिर बताते हैं। तो फाइनली हम आ गए घर, और इंजन ऑयल चेंज हो गया है। अभी इंजन ऑयल का रिव्यू, साउंड थोड़ी जो इंजन की थी वो मेरे को कम लगी कंपैरेटिव, लेकिन नया नया ऑयल है तो हो सकता है थोड़ा टाइम चलाएंगे, फिर देखते हैं हम क्या डिफरेंस है जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें इंजन ऑयल के चेंज के बाद। तो बस यही था आज का व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है, और जल्दी मैं 5000 किलोमीटर वाला रिव्यू भी डालूँगा बाइक का। वो रिमी राइडिंग पेंट्स जो तैयार हो रही है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड के लिए, वीकेंड राइड के लिए हम जी भी जाएंगे अगले हफ्ते में भी, तो फिर एक और व्लॉग आएगा। फिलहाल इस व्लॉग के लिए अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब, और बाइक का रिव्यू जी भी जाने के बाद करेंगे हम ऑयल का रिव्यू, और मे बी जी भी का व्लॉग करेंगे फिर से, तो देखते हैं क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, लीजिए मस्त मज़ा ज़िंदगी का, और शेयर सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ करवा दो भाई, 1000 तो पहुँचा दो, क्या ड्रामा कर रहा हूँ मैं। ओके बाय।